बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पंडू मिर्च और कच्ची इमली का अचार। इसके लिए कच्ची इमली ली मैं आधा किलो, इसको धो के रख ली, इसको ड्राई कर लेंगे और इसका छिलका निकाल के, इसके बीज निकाल के इसको कट कर लेंगे। और ये पंडू मिर्च जो है इसको भी धो के रख ली मैं, उसको भी इस तरह से देखिए इसको ड्राई करके इसको भी कट कर लेंगे। देखिए मिर्ची कट कर ली मैं और ये इमली को भी इसको छील के इसके अंदर के बीज निकाल के इसको भी ऐसे कट कर ली। मैं बताती हूँ आपको कैसे कट करें। देखिए इस तरह से इसका छिलका निकाली मैं। देखिए ऐसे नस है, ये भी निकाल देना, ये सारे इसके छिलके निकाल के इसको इस तरह से बीच में से कट करना है। थोड़ा प्रेस करके कट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता। ऐसे कट करके अब इसके बीच निकालेंगे हम। छुरी को इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा कॉर्नर में लेंगे, ऐसा करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे निकाल ली, ये एक रखी थी मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए इसको भी दो पीसेस करके इसमें डाल देंगे। देखिए मैं इसको कट कर ली जो आपको दिखाई थी। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो देखिए इसके अंदर थोड़ा आपको लग रहा होगा ऐसे ब्राउनिश कलर आ जाता, इसलिए हम जब ये ग्राइंड करना रहता उससे पहले ये छील के ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये लाल मिर्च, ये तो एक मुट्ठी लहसुन है, 2 टीस्पून नमक डाल के पीस लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। पहले ये ग्राइंड कर लेंगे फिर मिर्ची ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे थोड़े थोड़े डाल के 2-3 बार में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैं इसको ग्राइंड कर ली, इसमें देखिए ऐसे नस दिख रहा होगा आपको, अगर दिख रहा तो इस तरह से, अगर नज़र आ रहे हैं तो वो निकाल देना। तो हम देखिए दूसरा भी जो है बैच वो भी पीस लेंगे इस तरह से। देखिए बाकी बची हुई जो इमली है दूसरा बैच वो भी पीस लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसी में डाल के मिर्ची पीस लेंगे। देखिए मिर्ची थोड़ी सी एक बैच ना ग्राइंड कर ली मैं, अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से जो बची हुई मिर्च है वो भी पीस लेंगे। देखिए ये भी इसमें मिला देंगे, इसको हाथ से नहीं करना है, स्पून से करना है। अब ये सारे इमली और मिर्च जो हम पीसे उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर ली मैं। अब इसके लिए कुछ मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए मैं एक पैन रख दी, पैन गर्म हो गया, उसमें राई डालेंगे 2 चम्मच, 2 टीस्पून, 2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मेथी, ये तीनों को भून लेंगे, अच्छी खुशबू आए तक भूनना है इसको। देखिए मसाला भुन गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको पीस लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस पॉइंट पे आप टेस्ट करके देखना, अगर यहाँ पर नमक आपको कम लगा तो आप नमक ऐड कर सकते। तो मैं यह नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, मेरे को कम दिखा था, 2 चम्मच ऐड करी थी मैं, 1 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ, तो टोटल हम 3 टीस्पून डाले इसके अंदर नमक। तो चलिए अब इसको बघार लेंगे। देखिए एक कढ़ाई रख दी मैं चूल्हे पे, अब ये 250 ml है, ये हम 300 ml लेंगे, इसमें थोड़ा और ऐड करूँगी मैं। देखिए और 50 ml ऐड कर रही हूँ मैं, टोटल 300 ml ऑयल डाली मैं इसमें। मैं ये रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। देखिए तेल गर्म हो गया, मैं इसको मीडियम पे कर ली। अब इसमें हम राई डालेंगे, लहसुन, ज़ीरा, 1 चमचा राई, 1 चमचा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/4 टीस्पून मेथी के दाने। फ्लेम एकदम लो कर देंगे और मिर्ची डालेंगे, 2 लाल मिर्च है उसको टुकड़े करके डाली मैं, स्टो ऑफ कर देंगे। थोड़े से 1-15 कलियां लहसुन के डाली मैं, अब करिया पाक डाल रही हूँ।
इसको स्टोपे से हटा लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको, पूरा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। देखिए बघार जला नहीं, ब्राउनिश कलर आया है, ऐसा ही रहना है, इसको डार्क नहीं करना है, अगर डार्क करेंगे तो कसाला हो जाएगा। इसमें हम जो अचार का मसाला पीस के रखे थे सारी चीज़ें मिला के वो डाल देंगे। देखिए थोड़ा ठंडा हो गया, अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पंडू मिर्च और कच्ची इमली का अचार रेडी हो गया। ये बहुत ही अलग तरीके से बनाई हूँ मैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे जैसे दूसरे वीडियोस देखे हैं अचार के, ये भी एक बार देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये अचार आपको कैसा लगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मेरे वीडियोज़ अच्छे दिख रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।